जनता दल यूनाइटेड ने घंटाघर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इमली छापर रेलवे फाटक चौक से सर्वमंगला चौक तक फोर लेन सड़क बनाए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस सड़क के किनारे ACCL और नगर पालिका निगम द्वारा बिना मुआवजा व बसाहट दिए मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया है। कुछ मकान भी तोड़े गए हैं। जनता दल यूनाइटेड में मुआवजा और बसाहट की मांग की है। फोरलेन सड़क को कुचेना मोड़ तक व्यर्थ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 85 प्रभावितों को नोटिस दिया गया है। प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जुगनू खान और जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण महतो ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इमली छापर रेलवे फाटक से फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य होना था, यह प्रस्तावित भी था, लेकिन उसको बढ़ाकर इमली छापर से 400-500 मीटर दूरी ले गए कुचैना मोड़ से अब रोड को बनाने का कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की जा रही है। उसके हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रस्तावित था इमली छापर रेलवे फाटक से बनने का। सारी गाड़ियां टरके जितने भी कोयला लेने आती है इमली छापर रेलवे फाटक होकर कुसमुंदा खदान जाती है, कुसमुंदा खदान से कोयला लेके फिर उधर वापस हो जाती है। तो कुचैना मोड़ पे आपको फोर लाइन रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो गरीबों को झोपड़ी उजड़ रही है, गरीबों का घर उजड़ रहा, और आप बिना मुआवजा बिना पुनर्वास, ये तो बात आपकी है नहीं है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये उचित है। तो इसके खिलाफ में ये हमारा आंदोलन है, एक दिवसीय धरना है, और अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। असल में गरीबों का शोषण हो रहा है। जो 50 साल 40 साल से घर बनाए हुए हैं उन घरों को बिना मुआवजा और बसाहट के तोड़ा जा रहा है। पहले इमली छापर रेलवे फाटक से सड़क बनाने की बात थी, अब उसे बढ़ा करके कुचैना मोड़, उसमें और भी 85-80 गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को लेकर के जब हमको जानकारी में आया तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ACCL जो है 200 करोड़ रुपया दे दिया है PWD को, और PWD ने किसी प्रकार से नोटिस नहीं दिया। नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है गरीबों को, तो ये बात जो है हमको जायज नहीं लगा। हम चाहते हैं कि गरीबों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए उनके मकान के मूल्य का, और उनको उचित जगह व्यवस्थापन भी दिया जाए, क्योंकि उन लोग बहुत दिनों से उसमें काबिज थे और अपना कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहे थे। कई लोग तो व्यवसाय नहीं कर रहे थे, केवल घर ही था उनका एकमात्र सहारा रहने का, उसको विस्थापित किया जा रहा है, तो ये गलत है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।